बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद नईम। और आज मैं मर्दाना कमज़ोरी के शिकार नौजवानों और मर्दों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूं। व्यूअर्स, इन दिनों कॉल और मैसेज पर मुझे अक्सर नौजवान और मर्द अपने सेहत के हवाले से ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हकीम साहब, कुछ अरसे से हम ख़ुद को मर्दाना कमज़ोरी का शिकार महसूस कर रहे हैं। जब मैं उनसे इस मसले के हवाले से तफसील मालूम करता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि हकीम साहब, एक तो हमारा अपनी मिसेस के साथ मुबाशरत करने को उस तरह दिल नहीं करता, और जब भी हम मुबाशरत के लिए अपने मिसेस के पास जाते हैं तो उज़्वी ख़ास में उस तरह की बेहतरीन सख्ती नहीं आती, और हमारी टाइमिंग भी बहुत हद तक कम हो चुकी है। व्यूअर्स, इस मसले के वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चंद एक मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर हमारा लाइफस्टाइल, हमारे मैदे और हाजमे की ख़राबी, खुसूसन पेट की चर्बी या पेट में कब्ज़ और गैस का हो जाना। इसके साथ हमारे जिस्म में खून की कमी, आयरन, मैग्नीशियम, पोलिक एसिड, इसी तरह के बहुत सारे मिनरल्स की कमी। इसके साथ हमारे जो मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनजाइटी, जिस तरह आजकल के हालात हैं, और हमारे जो घरेलू मसाइल होते हैं कि जिसकी वजह से हमारे दिमाग का जो पिचोटरी ग्लैंड है उसकी कारकर्दगी मुतासर हो जाती है, और हमारे जिस्म में हार्मोनल एम्बेलेंसेस आ जाती हैं जिसकी वजह से जो मेल हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सख्ती भी मतलब उस अंदाज से नहीं आती, ख्वाहिशात भी उस तरह उभर के सामने नहीं आती, और टाइमिंग भी प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाती। इसी तरह कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि हकीम साहब, हमें ऐसा लगने लगा है कि हमारे उज़्वे ख़ास के अंदर भी काफ़ी हद तक कमी और कमज़ोरियाँ आ गई हैं। तो ऐसा होता नहीं है मोस्टली, लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो उनको वाकई ये मसला हो जाता है। तो व्यूअर्स, इन सारे मसाइल के हल के लिए जो बेहतरीन नुस्खा मैं अपने दवाखाने का तैयार करदा, उनको इस्तेमाल करवाता हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पर नुस्खा नज़र आ रहा है, यही वो नुस्खा है, और इसी नुस्खे के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा लोग मर्दाना कमज़ोरियों के मसाइल से मुस्तकिल छुटकारा हासिल कर चुके हैं। ये नुस्खा चार चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें एक किस्म का माजून, सफ़ूक, गोलियां और एक तिला, ये इन चार चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसका तरीक़ा इस्तेमाल भी बहुत सादा और आसान है। आधा चाय का चम्मच सफ़ूक, माजून और एक गोली सुबह नाश्ते के बाद पानी के साथ लेना है, और इसी तरतीब से आधा चाय का चम्मच सफ़ूक, माजून और गोली रात को खाने के बाद लेनी है। ये जो तिला है, ये रात को सोते वक्त चार ड्रॉप्स अपने उज़्वे ख़ास पर लगा लेने हैं और उसके बाद सो जाना है। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही कामयाब, मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है मर्दाना कमज़ोरियों के खात्मे के लिए। अगर आप भी मुझसे ये नुस्खा मंगवाना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें। मैं आपको इस नुस्खे के मंगवाने का तरीक़ेकार, कीमत और दूसरी मालूमात आपसे शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह इस नुस्खे के एक महीने के इस्तेमाल से नफ्स में और उज़्वे ख़ास में भरपूर सख्ती आएगी, टाइमिंग में इजाफ़ा होगा, जिनसी ख्वाहिशात भरपूर अंदाज से उभर के सामने आएँगे, और उज़्वे ख़ास के बारे में जितने भी कमज़ोरियाँ और मसाइल हैं उन सब से इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, ये था मर्दाना ताकत को बढ़ाने के हवाले से मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। पी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।